यूपी के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज एफसीआई के गोदाम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। गोदाम पर कर्मचारियों द्वारा पैसे लेने की शिकायत पर विधायक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान की गई शिकायत को विधायक ने सही पाया। इसके लिए उन्होंने गोदाम के कर्मचारियों को फटकार लगाई तथा उनकी शिकायत डीएम से की। उन्होंने कहा कि डीएम से गोदाम पर फैली अराजकता को दूर करने तथा दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया है। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। जबकि लेबर कॉन्ट्रैक्ट का ठेका होता है, मैंने इसीलिए यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, सही भी पाया गया है कि कुछ अराजकता अनियमितता केंद्र पर है। मैंने आपके सामने भी डीएम से बात किया, एसडीएम से बात किया, वो लोग अभी किसी अधिकारियों को भेज रहे हैं। पीसीएफ वालों से भी मैंने बात किया है, ये अराजकता अनियमितता दूर होनी चाहिए। हमारी सरकार की मंशा किसानों की सुविधा के लिए है और किसानों की तो सुविधा तब अच्छी मिलेगी जब क्रय केंद्र की व्यवस्था अच्छी रहेगी। क्रय केंद्र जब यहाँ पैसा देगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगा, इसीलिए इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए मैं औचक निरीक्षण पर आया था और व्यवस्था की सुधार की जाएगी। हर क्रय केंद्रों का मैं स्वयं भी निरीक्षण करूँगा अपने विधानसभा के हर क्षेत्रों में। पार्टी फेरेंगे तो मैंने डीएम से कहा जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ एफआईआर किया जाए।